हमारे सभी गांवों में सरकार द्वारा तो मुक्तिधाम के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं उचित नहीं है। वहां प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, गांव की गंदगी भी उसके किनारे होती है। अधिकांश जो मुक्तिधाम के लिए स्थान आरक्षित है वो नालों के किनारे पर है और कई स्थानों पर तो शेड भी नहीं बने हुए हैं, और ये कार्य जो है ग्रामीण की जागृति से ही हो सकता है। और इसीलिए आज हमने यहाँ सारंगपुर विकासखंड के सभी सरपंचों को आमंत्रित किया था और हर गांव से दो दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था, जो विचार करेंगे और किस प्रकार से हमारे मुक्तिधाम को हम स्वस्थ और सुंदर बना सकें, वहाँ का वातावरण अच्छा कर सकें और वाकई में जो हमारा हम जिसको कहते हैं शमशान, वो मुक्तिधाम बन सके। इस प्रयास के लिए हमने आज यहाँ लोगों को आमंत्रित किया था और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए, सरपंच उपस्थित हुए जो कि जनप्रतिनिधि हैं, और एक अच्छा निर्णय लिया गया कि हर गांव में मुक्तिधाम के लिए एक समिति बनाई जाएगी और समिति के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ मुक्तिधाम का विकास किया जाएगा, सरकार का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा और जहां अतिक्रमण है उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही हम हर गांव में समिति का निर्माण कर मुक्तिधाम का विकास करेंगे। क्या रहेगा इसको लेकर? अभी आज जो हमने निर्णय लिया है कि हम 6 माह के बाद पुनः आपस में सब बैठेंगे और ये देखेंगे कि किन किन गांवों में कितना कितना सुधार मुक्तिधाम के संबंध में हुआ है। इसके साथ ही पर्यावरण को लिए विशेष अभियान रहा है और मुक्तिधाम में पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, इस बात का भी ध्यान हम रखेंगे।